हेलो गाइस, शुरू में आप लोगों ने देख लिया है कुछ इस टाइप का सैड स्ट्रेस वीडियो एडिटिंग आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को जरूर फुल वॉच कर लीजिएगा। फुल वॉच करने के बाद आप भी इस टाइप का वीडियो आसान से बना पाओ। सबसे पहले VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक वीडियो लिंक मिलेगा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, वीडियो सिलेक्ट कर लेने के बाद फोटो वाले सेक्शन पे चले जाना होगा और यहाँ से कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरह से। ठीक है, फोटो सिलेक्ट करने के बाद तीर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। वीडियो एंड फोटो सिलेक्ट करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके लास्ट पर चले जाना होगा। लास्ट पर ब्लैक पेज को डिलीट कर देना होगा। ठीक है, सब फोटो को इस तरह से स्क्रीन के बीच में कर लेना होगा, तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पर आ जाना होगा, म्यूजिक ऐड करूँगा। टैप टू एड म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करके म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद माय म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करके म्यूजिक लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना होगा। म्यूजिक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। म्यूजिक डाउनलोड कर लेने के बाद म्यूजिक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद म्यूजिक के साइड में उस ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक को सेट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद बिट्स मार्क कर लेना होगा। बिट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रीन के साइड पर आप लोगों को म्यूजिक बिट्स टाइमलाइन देखने को मिल जाएगा, तो देखकर आप लोग ठीक से लगा लीजिए। 5.67 सेकंड पर आ जाना होगा और यहाँ पर एक बीट मार्क कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड बीट मार्क लगाना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल करके 6.23 सेकंड पर चले आइए और यहाँ पर एक बीट मार्क लगा लीजिए। तो इस तरह से आप लोग बीट मार्क लगा लीजिएगा। टोटल 9 बीट्स मार्क लगा लेना होगा। उसके बाद राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर से राइट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोटो पर चले आना होगा और इस तरह से थोड़ा जूम कर लीजिए। फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो को इस तरह से म्यूजिक बिट्स के बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोटो पर आ जाना है और इस फोटो को भी इस तरह से म्यूजिक बिट्स के बराबर कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट फोटो पर आ जाना है और इस तरह से कर लेना होगा। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सब फोटो के बीच में प्लस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, किसी भी एक प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रॉल करके लाइट को सेट कर लेना है। रेजोल्यूशन को 0.2 सेकंड के आसपास कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद डबल लाइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो सब प्लस ऑप्शन पर कुछ इस टाइप का लाइट हो जाएगा, लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फोटो का साइज थोड़ा ब्लैक करूँगा। ठीक है, ब्लैक करने के लिए फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर विग्नेट को फुल कर दूंगा। देख सकते हो कुछ ब्लैक हो जाएगा इस टाइप का। ओके, उसके बाद डबल लाइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फर्स्ट म्यूजिक बीट्स पर आ जाना होगा और यहाँ पर एक वीडियो इफेक्ट यूज़ करूँगा। इस वीडियो इफेक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उस वीडियो इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो इफेक्ट को फुल स्क्रीन करूँगा, आप लोग इस तरह से खींच के फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक को हटाऊँगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्किन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ब्लैक हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद फोटो पर इफेक्ट्स लगाऊंगा, इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फोटो को इस तरह से खींच के फर्स्ट पर कर लेना होगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए। स्लाइड राइट को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ओके, उसके बाद अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सब फोटो एंड वीडियो पर भी इस इफेक्ट लग जाएगा। तो वीडियो पर आ जाना है, इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके नोन करके राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ से इफेक्ट्स हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो पीपी के जैसा बन गया है। इस वीडियो को सेव करूँगा, सेव करने के लिए तीर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो वीडियो सेव होने लग गया है। आज के लिए वीडियो नहीं, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।